गेहूं के दामों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। इंदौर की मंडियों में मिल क्वालिटी गेहूं 2800 रुपए तो लोकवन गेहूं 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकता दिखाई दिया है। दरअसल किसानों और स्टॉकिस्टों के पास गेहूं नहीं बचा है, ऐसे में मंडी में 300 से 400 बोरी की आवक हो रही है और प्लांट मनमाने दामों पर खरीदी पर मजबूर हैं। पहले उम्मीद की जा रही थी कि बुआई पूरी होने के बाद आवक बढ़ जाएगी, लेकिन अनुमान गलत निकला। अभी आटा मिलों की बिक्री सीमित है, आगे उपभोक्ता मांग बढ़ी तो उम्मीद की जा रही है आटा मैदा के दामों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। उधर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पिछले 4 महीने से बारिश न होने से गेहूं की 40% फसल तबाह होने से जिला के किसान मायूस हो गए हैं। बेमौसमी सब्जियों को भी 20% की चपत लग चुकी है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए किसानों ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। दरअसल लंबे अरसे से बारिश न होने के कारण रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जिले में 90% कृषि योग्य भूमि सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर करती है, लेकिन इंद्र देवता की बेरुखी के चलते इस बार जिले में 40% से अधिक फसल बर्बाद हो गई। रबी सीजन की अन्य फसलों का भी यही हाल है। गेहूं की बिजाई के समय खेतों में कम नमी के चलते भी किसानों ने इस उम्मीद से गेहूं की बिजाई कर दी कि इस समय पर बारिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जिसके चलते गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।